सतना जिले के मझगवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें ट्रेन दुर्घटना में मृत महिला का शव परिजनों ने रिक्शा में लादकर 3 किलोमीटर दूर पैदल घसीटकर मर्चुरी तक पहुंचाया। घटना स्थल पर पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत संवेदनहीन बने रहे और मरे हुए सिचम की घोल लापरवाही की पोल खोलती हुई यह तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर रही है। आज दोपहर मझगवा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की ठोकर से वृद्ध राम ललिया रेदास की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का पति लल्लू रेदास के साथ में रेलवे ट्रैक को पार करके कंडा बीनने जा रही थी और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मझगवा पुलिस मौका का मुआयना व पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेजने की बजाय परिजनों को सौंप कर मौके से चलती बनी। बेहद गरीब परिजन किसी तरह से जुगाड़ करके हाथ ठेले की व्यवस्था की और शव को हाथ ठेले में लाद कर परिजन रिक्शे को धक्का देते हुए दुर्गम रास्तों के साथ ही तालाब को पार करके शव मर्चुरी पहुंचा दिया। और कहानी इतनी ही होती तो कोई बात नहीं होती। पुलिस की संवेदनशीलता मर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इंसानियत बची ही नहीं है और जिंदा तो जिंदा मरने पर भी सरकार या उसके विभाग या फिर पुलिस शव का सम्मान नहीं करती। शव हाथ ठेले से घसीट कर ले जाते परिजनों की यह तस्वीरें सरकार और सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा है और इस अमानवीय करतूत पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बजाय शायद हमेशा की तरह मुआवजे का मरहम या फिर जवाब तलब तक ही मामला सिमट कर रह जाएगा। रेलवे लाइन में कट गई है, ये लाइन निकल गई, कंडा के लिए जा रही थी, गोबर के लिए। पत्नी और पति दोनों पति निकल गए हैं। पत्नी जो है तो बैक थी, इतने में नहीं ट्रेन आया, धक्का मारा, वहाँ हाथ और खोपड़ी से वहाँ दूर हो गए। जब हम लोगों का यहाँ पता मिलता है तब हम वहाँ जाते हैं। उनको पुलिस कर्मचारी साथ में थे, उनने देखा वहाँ लिखा पढ़ी जो जैसे लोगों का होता है उस आधार पे वो अपना लिखा पढ़ी किए। लिखा पढ़ी करने के बाद वो बोले कि अपनी बेड़वाड़ी जो है लेट करते आप शमशान से। हाँ, कुछ नहीं कहा। हम अपने से रिक्शे लाए, अपने से रिक्शे में कितनी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर का अंतर्गत होगा, ये तो अब नापा जोखा तो नहीं है पर इतना अंजाम। ये उनका नाती है और इसी ने रिक्शा खींच करके लाया और सामने सामना दोनों जने सुबह ये बोल रहे थे कि मेरे यहाँ धूप लेकर बैठे रही। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए सतना से राघवेंद्र सिंह बेलकैत की रिपोर्ट।